नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं आपका YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर कृष्णा चौधरी, कॉस्मेटिक सर्जन, कॉस्मेटिक लेजर सर्जरी सेंटर, प्रसाद चैम्बर्स, करवे रोड, पुणे 4, यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे यहाँ नाक की कॉस्मेटिक सर्जरी एक बहुत प्रचलित ऑपरेशन है। उसमें कई प्रकार के प्रॉब्लम्स लेके लोग मेरे पास आते हैं, जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है कि बड़ा नाक हो अगर वो उनको पसंद नहीं है तो भी मानसिक संतुलन बिगड़ता है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, बहुत छोटा है या टेढ़ा है तो भी उनको अच्छा नहीं लगता। हर इंसान को ये अपेक्षा रहती है कि अपना चेहरा सीधा साफ और नॉर्मल दिखे। और नाक ये सेंट्रल पोर्शन है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, तो सभी लोग उसको बहुत महत्व देते हैं। जब बचपन से ही नाक बढ़ जाता है, बहुत बड़ा होता है, तो उस व्यक्ति को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आने लगता है। समाज में घूमते फिरते समय उसको ऐसा महसूस होता है कि सब लोग मेरे ही नाक की तरफ देख रहे हैं। यह 35 साल उम्र के नौजवान मेरे पास आए हैं। उनको अपने नाक में कॉस्मेटिक सर्जरी करके कुछ सुधार करना है, जैसे कि नाक दोनों बाजू में बहुत फैला हुआ है। राइट साइड की नॉस्ट्रिल है वो बड़ी है, लेफ्ट साइड की नॉस्ट्रिल थोड़ी छोटी है। हो सके तो दोनों भी एक जैसे करना है। उसके साथ साथ नाक का जो टिप है वो बहुत भद्दा और जाड़ा है, उसको डेफिनेशन नहीं है और वो नीचे उतर के आ गया है, जिससे ऊपर का ओट भी चुभता है, छोटा लगता है। और नीचे टिप आने के कारण नाक एकदम फ्लैट लगता है, फेस भी उसके साथ साथ फ्लैट लगता है। तो अगर हो सके तो उनको ये टिप भी सुधार के चाहिए। उसके साथ जो नाक का सेतु है डॉर्सम है, वो भी बहुत भद्दा और जाड़ा है, तो वो जितना बारीक हो सके उनको बारीक करके चाहिए। ये सारी बातें अपेक्षित है। उसके साथ साथ ऐसा ऑपरेशन होना चाहिए कि जिससे नाक अब उनके चेहरे को सूट हो और ध्यान में भी नहीं आए कि कोई ऑपरेशन किया गया है या नहीं। उनके फोटो पे कुछ मार्किंग्स करके फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड ऑब्लिक और नाक के नीचे से इस अलग अलग फोटोज पे मार्किंग करके उनको मैंने समझाया कि क्या संभव है और क्या पॉसिबल नहीं है। तो इसमें साफ दिखाई देता है कि जो ग्रीन लाइन है, नाक का ब्रिज बहुत जाड़ा है तो वो कम करना है। कम करते समय नाक के अंदर जो फाइबर फैटी टिश्यू रहता है बहुत फैला हुआ है वो कम किया जाएगा। उसके साथ साथ बाजू की जो बोन है वो भी कट करना होगा और उसको ऑस्टियोटॉमी कहते हैं, तो उससे दोनों साइड्स अंदर आ जाएंगे। तीसरी बात, नाक की जो नॉस्ट्रिल है राइट साइड की ज़्यादा बड़ी है, लेफ्ट साइड की कम है, तो दोनों ज़्यादा से ज़्यादा एक जैसे करने का प्रयत्न किया जाएगा। और एलआर रिडक्शन जिसे कहते हैं वो किया जाएगा, राइट साइड को ज़्यादा किया जाएगा। इसके बाद नाक का जो टिप है वो बहुत भद्दा है, तो जब नाक खोलने के बाद अंदर भी फाइबर फैटी टिश्यू रहता है तो वो कम किया जाएगा। और त्वचा के नीचे जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है जितना हो सके वो भी निकाला जाएगा। उसके साथ साथ टिप प्लास्टी की जाएगी। टिप प्लास्टी में नाक का जो दोनों बाजू की कमान है वो फैली हुई है, तो उनको एक साथ ला के स्टिच किया जाएगा, उससे शार्पनेस आएगा और नाक का टिप ज़्यादा डिफाइंड होगा। इसमें एक बात समझना चाहिए कि स्किन की थिकनेस हम कम नहीं कर सकते हैं और जो कमज़ोर कार्टिलेज है उसको भी ज़्यादा ऊपर तक खींच नहीं सकते। उसके साथ साथ इसको एक कॉलोमेलर स्टड कहते हैं, वो दोनों कमान के बीच में एक लंबी पोल जैसी रहती है, वो डाली जाती है तो उससे नाक और उठता है। नाक के निचले हिस्से का फोटो जब हम देखते हैं तो उसके साथ मैंने कुछ मार्किंग्स भी किए, तो उससे साफ समझ में आएगा कि नाक के दोनों नॉस्ट्रल से कितने फैले हुए हैं, दोनों समान नहीं है, राइट साइड ज़्यादा लंबी है, लेफ्ट साइड ज़्यादा चौड़ा है। तो
तो ये इसमें बदलाव करना है, दोनों बाजू से 2 से 4 मिलीमीटर थिकनेस कम करना है, उसके साथ साथ साइड से भी कम करना है। और जब टिप प्लास्टी होगी तो उस वक्त कॉलोम्यूलर स्ट्रट नाम की एक पोल जैसी चीज दोनों कमान के अंदर रखा जाता है और वो फिक्स किया जाता है। उससे नाक का टिप ऊपर आता है और जो नॉस्टल जो बहुत फैले लगते हैं वो पहले से बहुत कम दिखते हैं। इतना सारा करने के बाद मैंने उनको कंप्यूटर इमेजिंग में बताया, कंप्यूटर पे उनके पहले के फोटो निकाल के उसके में जो हमने चर्चा की थी उसके मुताबिक जो संभव पॉसिबिलिटीज है वो मॉर्फ करके कंप्यूटर से बदल के उनको बताया। तो देखिए सामने का फोटो, सामने का फोटो देखिए कि कैसा बदलाव हुआ है। उसके बाजू का मॉर्फिंग के वो जो फोटो है देखो, नाक छोटा लग रहा है, नाक फैला हुआ नहीं लगता है। उसके साथ साथ नाक का जो टिप है वो ऊपर आया है और बारीक लगता है, और नाक का जो ब्रिज बहुत भद्दा लगता था पहले वो अब बारीक हुआ है। इसी प्रकार साइड से भी आपको बदलाव समझ में आएगा, और नाक के निचले हिस्से से लिए हुए फोटो उसमें भी बिफोर आफ्टर क्या फर्क हो सकता है ये भी आपको महसूस होगा। तो इस प्रकार ये पेशेंट का केस स्टडी किया गया, पूरा प्रिपरेशन किया गया, उनके सारे प्रश्नों का जवाब दिया गया और उनके शंका निरसन की गई, और अब वो ऑपरेशन के लिए तैयार है। अगले वीडियो में ऑपरेशन कैसा किया गया वो देखिए। धन्यवाद दोस्तों, आपके मन में अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो अवश्य मुझे संपर्क कीजिए 9373504565।